पवन सिंह के गाने जब भी आते हैं हिट हो जाते हैं। बेशक देश में इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके पवन सिंह के गानों की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। फैंस उनके गानों को उसी चाह से देख रहे हैं जैसे पहले देखा करते थे। जी हां, पवन सिंह की गूंज एक बार फिर से देखी गई है। जी हां, हाल ही में रिलीज हुआ पवन सिंह का गाना दूगो रखले बानी ने कमाल कर दिखाया है, जिसकी कामयाबी के बाद पवन ने खुद इस बात की जानकारी अपने इंस्टा पेज से शेयर की थी। देखिए इस पोस्ट को, जिसमें पवन ने अपने फैंस को इतना सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें कि पवन के इस नए गाने ने सिर्फ 9 दिन में 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए, यानी कि 60 लाख से ज्यादा लोग इस गाने को सुन चुके हैं और ये आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इस गाने में एक बार फिर से पवन सिंह का साथ दिया है उनकी फेवरेट सिंगर प्रियंका सिंह ने। गाने के बोल लिखे हैं प्रकाश बारूद ने, जबकि इसका म्यूजिक तैयार किया है छोटे बाबा ने और इस गाने को SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। भाई, मानना ही पड़ेगा कि पवन सिंह के गानों का सरूर उनके फैंस पर खूब देखने को मिलता है। जब भी उनका कोई गाना रिलीज होता है तो वो कुछ ही घंटों में वायरल हो जाता है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से पवन सिंह बेशक शूटिंग नहीं कर रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपने नए नए गानों से लगातार अपने फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में पवन के कई और धमाकेदार गाने उनके फैंस को सुनने को जरूर मिल सकते हैं। भाई, पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार यूं ही नहीं कहा जाता और उन्होंने इस गाने से ये बात एक बार फिर से साबित कर दी। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।